आप ही गाड़ी धोए, कोई हाथ लगा के राजी नहीं है। हाँ, और गाड़ी धुल जाए तो फटाक से मुंह से निकलता है, पापा चाबी देना घूम के आना, पापा चाबी दे दो घूम के आएंगे। मार तेरे सामने, मार 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 मार। कितना चीट है, क्या हो गया पापा? क्या हो गया पापा है, 24 घंटे गेम खेलता रहे। अभी पढ़ने लिखने को बोलूंगा ना तो नानी याद आ जाएगी। दिख नहीं रहा छुट्टी के दिन बाप अकेला गाड़ी साफ कर रहा है? ये नहीं है कि मदद कराते हैं, नहीं पसरे रहेंगे राजा बाबू की तरह। हाँ गेम खेला लो गेम। क्या हो गया, क्यों शोर मचा रखा है सुबह सुबह? ऐसा करो पूरे मोहल्ले को बता दो कि आज गाड़ी धोने वाले हो। एक काम करते नहीं हो पर घर जरूर सर पे उठा लेते हो। पता था ना मैं घर में खाना बना रही हूँ, और खाना बनाना मेडिटेशन का काम होता है, लेकिन तुमने सुबह से डिस्टर्ब करके रख दिया है। ओहो आइए देवी जी, आपका इंतजार था है? अपने बेटे को तो कुछ कहना नहीं, बेटा तो पैदा हुआ है बाप के पैसे उड़ाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए, गेम खेलने के लिए। ये नहीं है कि कुछ काम कर ले। पापा ऐसा ना कोई काम नहीं है जो उज्जवल ना कर सके, ठीक है? यू नो आता हूँ ये सब कुछ है, बस मैं शो ऑफ नहीं करता। मुझे पता है तुझे क्या आता क्या नहीं आता, लंबी लंबी छोड़ रहा है। एक काम कर, शैम्पू लेकर अंदर से। इतनी अच्छी कार को पापा आप शैम्पू से धोगे? ऐसा है राजा बेटा, एक मिनट के अंदर अगर शैम्पू नहीं आया ना तो गाड़ी की जगह तुझे धो दूंगा, भाग यहां से। हाँ तो जा रहा हूँ। अरे इसे कहाँ भेज रहे हो तुम, पूरा का पूरा डब्बा उठा लेगा गुसलखाने से। मैं तुझे पाउच देती हूँ, पकड़ा दे अपने पापा को, चल मेरे साथ। एक शैम्पू का पाउच मत उठाने देना राजा बाबू को, कलाई में मोच आ जाएगी उसके। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। लो पापा। पापा जी क्या सोच रहे हो? राजा बेटा मैं ये सोच रहा हूँ कि धुलाई शुरू कहाँ से करूँ। जहाँ से आपका मन करे। मेरा मन कर रहा चेयर से शुरू करूँ। ओए लंदर, सुबह से लेकर शाम तक गेम खेलता रहेगा, चल पानी डाल मैं कपड़ा मार रहा हूँ। पापा सॉरी, पापा सॉरी। उज्जवल एक काम तुझे बोला, एक काम देर से डरते रहे बोला है, निकम्मा है, निकम्मा है, तू निकम्मा है। पापा रुको। क्या है? मेरे पास एक आइडिया है। कोई नहीं सुनना तेरा आइडिया। हाँ माँ बेटे की सुनने के लिए तो पैदा हुआ हूँ मैं। कुछ नहीं बोलना, दांत क्यों फाड़ रहा है बता। हाँ तो पापा आइडिया ये है कि कब तक हम मग्गे से बार बार इसमें पानी फेंकते रहेंगे, डायरेक्ट पाइप लगा लेते ना एक बारी में, गाड़ी चकाचक। हाँ चकाचक, ओ बुद्धि के देवता, दुनिया पानी बचा रही है, तू कह रहा पानी डाल के बहा दो। पापा आप उसकी टेंशन मत लो ना, आप बस शैम्पू वाला पानी मारो, मैं पाइप से धीरे धीरे पानी मारूंगा। पानी मैं डालूं, तू तो राजा है ना। मम्मी पापा सुन नहीं रहे। कुछ नहीं कह रहा मैं। तो पागल है क्या, मैं तेरे को झेल रहा हूँ, अपनी माँ को और बुला ले, जा पाइप उठा ला। उज्जवल अरे ये क्या ड्रामा मचा रखा है सुबह सुबह, तुम्हें क्या हो गया? देख लो अपने बेटे के कारनामे। उज्जवल ऐसे आइडिया देता है ये? सॉरी पापा। सॉरी शब्द से नफरत हो गई है मुझे, तुझे आज अगर नहीं धोया ना तो मेरा नाम भी शेर सिंह नहीं। मैं कह रहा हूँ पीछे हटा, तुम छोटा सा बच्चा है जाने दो ना। बच्चा कह कह के तुमने इसे सर पे चढ़ा रखा, मैं कह रहा हूँ हट जाओ, मैं इससे सारे का छोड़ गए। मैं कह रहा हूँ पीछे हटो, हटो साइड से, इसे छोड़ूंगा नहीं मैं आज। पापा जी हे भगवान धन्य हो गया मैं तुम दोनों को पाकर। अभी आटा गूंद रही थी, पेंट लेके क्या करने लगी? पेंटिंग करना भी मेडिटेशन होता है, मैंने सोचा थोड़ी सी पेंटिंग कर लेती हूँ, साफ कर देती हूँ, साफ कर देती हूँ, देखो 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 अभी साफ हो जाएगा। अरे मत कर मेरी माँ, मत कर, बख्श दे मुझे, बख्श दे। पर पापा ये तो मेरी माँ है ना, आपकी माँ तो 2 साल पहले ही। तुझे आज छोड़ूंगा नहीं, ना तू गंदा आइडिया देता और ना ये बखेड़ा खड़ा होता। कहाँ भाग रहे हो दोनों? शेर सिंह आज कौन सी महाभारत चल रही है तेरे घर में? शर्मा तू इधर हट। अरे क्या, अरे अरे ये क्या हाल बना रखा है? मैं कह रहा हूँ शर्मा हट, इसे नहीं छोड़ूंगा। कर दिया कल्याण, बस इसकी कमी थी। सॉरी शेर सिंह। सॉरी मत बोल मुझे। अरे नो सॉरी, ये तो अभी साफ हो जाएगा शेर सिंह। ओह और शर्मा पहले नाश हो रखा था तूने, और सब सत्यानाश कर दिया सारे, तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे, अरे, बचाओ, अरे, शर्मा।
पापा।